ओके जी, तो अब देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर जो आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो हम थोड़ा सा सी प्लस प्लस की थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब तक हमने प्रैक्टिकल काफी किया है तो अब थोड़ा सा हम इसमें सी प्लस प्लस के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसकी थ्योरी के बारे में। स्टूडेंट देखिए, इसमें आपके पास जो हमारे सी प्लस प्लस है, सी प्लस प्लस जो हमारी लैंग्वेज है दैट इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी तक हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिलेटेड से कोई कंसेप्ट हमने नहीं किया है। अब हम कल से इसमें जो है ऊप्स से रिलेटेड हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। पेपर के अंदर ऊप्स की फुल फॉर्म भी आती है कि ऊप्स की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, इट इज एन एक्सटेंशन टू सी प्रोग्रामिंग। और ये जो है वो ये सी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन है, क्योंकि हम क्या कहते हैं सी प्लस प्लस, तो ये प्लस प्लस का मतलब क्या कि ये सी प्रोग्रामिंग की एक्सटेंशन है। ठीक है, सी के गुण तो इसमें है ही है, इसके साथ साथ इसमें जो है आपके पास सी से ज्यादा है, तो इसलिए हम इसको प्लस प्लस बोलते हैं। और जो सी प्लस प्लस है ये जनरल पर्पस केस सेंसिटिव फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि इसमें स्मॉल ए और जो कैपिटल ए होगा दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा, इन दोनों को एक जैसे ट्रीट नहीं किया जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं केस सेंसिटिव। फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, फ्री फॉर्म की आप इसे कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दैट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजरल एंड जेनेरिक प्रोग्रामिंग, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी फॉलो करता है और सी प्लस प्लस में जैसे हम बेसिक अब पढ़ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे प्रोसीजरल लेवल, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को ये फॉलो करता है। ठीक है, सी इज ए मिडल लेवल लैंग्वेज एज इट एनकैप्सुलेट्स बोथ हाई एंड लो लेवल लैंग्वेज फीचर्स। सी लैंग्वेज को मिडल लेवल लैंग्वेज भी हम बोलते हैं क्योंकि इसमें दोनों की फीचर्स होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज की फीचर्स भी इसके अंदर होती हैं और लो लेवल लैंग्वेज की फीचर्स भी इसके अंदर होती है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, और लो लेवल का मतलब क्या होता है, मशीन लैंग्वेज, जो जीरो और वन की इसमें होता है। तो सी में दोनों की फीचर्स इनबिल्ट होती है आपके पास, तो इसलिए हम सी प्लस प्लस को मिडल लेवल लैंग्वेज भी हम कहते हैं। इतना कंसेप्ट क्लियर है सभी को? गगन, इतना कंसेप्ट क्लियर है कि सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस का मतलब क्या है कि इसमें सी की फीचर्स भी इंक्लूड है और इसके अंदर आप क्या कहते हैं इसको मिडल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं क्योंकि इसमें हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों की फीचर्स इसके अंदर आती है। अब यहाँ पे इसमें हम आगे चलेंगे, हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस अब हम पढ़ेंगे। तो सी प्लस प्लस की हिस्ट्री आपके पास किस तरीके से है, इसमें यहाँ पे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड इन, ये लैंग्वेज कब डेवलप हुई थी, 1980 में डेवलप हुई थी। ठीक है, और इसे किसने डेवलप किया था, बाय बाजार ने, स्टाउस्ट्रप ने डेवलप किया था एट बेल लेबोरेटरीज ऑफ AT&T। AT&T की फुल फॉर्म क्या होती है, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, USA के अंदर लोकेटेड है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सी प्लस प्लस को किसने डेवलप किया था, कब डेवलप हुई थी और कहाँ डेवलप हुई थी। बाजार ने स्टाउस्ट्रप जो सी का डेवलपर है इज नोन एज द फाउंडर ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज, इट वॉज डेवलप फॉर एडिंग ए फीचर ऑफ ऊप, इसी ने क्या काम किया कि एक ऊप की फीचर भी जोड़ी, क्योंकि सी लैंग्वेज को डेवलप किसने किया था, स्टूडेंट डेनिस रिची ने डेवलप किया था, और सी और जो बाजार ने स्टाउस्ट्रप ने क्या काम किया कि सी प्लस प्लस में ऊप का कंसेप्ट जोड़ दिया इन सी विदाउट सिग्निफिकेंटली चेंजिंग द सी कंपोनेंट, और इसने क्या काम किया बिना सी के कंपोनेंट को चेंज किए हुए इसमें नई फीचर को बस ऐड किया ऊप लैंग्वेज को। और ये ऊप्स क्या होता है हम कल से स्टार्ट कर देंगे। और जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इज रिलेटिव है, मतलब इसको हम सी का सुपरसेट कह सकते हैं, इट मींस कि हम कोई भी सी प्रोग्राम, कोई भी वैलिड सी प्रोग्राम जो है सी प्लस प्लस के लिए भी क्या होगा, वैलिड होगा, मतलब जो प्रोग्राम हम सी के लिए बनाएंगे
ठीक है, सिर्फ सिंटेक्स ही आपको चेंज करना होगा, वही प्रोग्राम सी प्लस प्लस के लिए भी क्या होगा आपके पास वैलिड होगा। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है, अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर यहाँ पे सी प्लस प्लस बेसिक इनपुट आउटपुट। तो सी प्लस प्लस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज यूजिंग द स्ट्रीम कंसेप्ट। ये एक स्ट्रीम कंसेप्ट होता है हमारा। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ए स्ट्रीम? स्ट्रीम इज द सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। ये बाइट्स का एक सीक्वेंस होता है और फ्लो ऑफ डाटा। इसमें हम डाटा को फ्लो करते हैं। डाटा फ्लो कैसे होता है कि आप कुछ भी डाटा प्रिंट करते हो या कोई भी आप वैल्यू को क्या करते हो इनपुट करवाते हो, तो उसको हम बोलते हैं डाटा फ्लो। इट मेक्स द परफॉर्मेंस फास्ट। ये हमारे प्रोग्राम की स्पीड को बढ़ाता है। इफ बाइट्स फ्लो फ्रॉम मेन मेमोरी, अगर मेन मेमोरी से कोई भी जो है बाइट फ्लो करते हैं, जैसे प्रिंटर के लिए, स्क्रीन में डिस्प्ले होता है, नेटवर्क कनेक्शन के लिए, दिस इज कॉल्ड एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट ऑपरेशन। अगर आप कोई भी चीज प्रिंटर से ले रहे हो, स्क्रीन से ले रहे हो, नेटवर्क कनेक्शन से ले रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट ऑपरेशन। अगर आप दे रहे हो तो उसको हम बोलेंगे आउटपुट, अगर आप ले रहे हो तो उसको हम बोलेंगे इनपुट ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें आपके पास आएगा, अब इनपुट और आउटपुट के लिए हम क्या काम करते हैं, इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए आप इसमें स्टैंडर्ड आउटपुट एंड स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। स्टैंडर्ड आउटपुट को हम क्या बोलेंगे, सी आउट, और स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम को हम क्या बोलेंगे, सी इन बोलेंगे हम इसमें। ठीक है, तो अब हम यहां पे इसमें द सी आउट फंक्शन हम किस लिए यूज करते हैं। सी आउट इज ए प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास, इट इज कनेक्टेड विद द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होते हैं, विच इज यूजुअली डिस्प्ले स्क्रीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन बोलते हैं। और सी आउट इज यूज इन कंजंक्शन विद स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। इसको हम क्या बोलेंगे, इस साइन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेशन, ताकि आप स्क्रीन के ऊपर आउटपुट देख सको। और इसी तरीके से जो सी इन होता है, उसका मतलब क्या होता है आपके पास, कंसोल इनपुट। ये भी एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, मतलब पहले से डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। किसका, आई स्ट्रीम क्लास का पहले से डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। ये स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होता है, विच इज यूजली जो क्या होता है, कीबोर्ड होता है। द सी इन इज यूज इन कंजंक्शन विद स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ताकि हम कंसोल को रीड कर सकें। ठीक है, इतना यहां तक क्लियर है सी आउट और सी इन के बारे में। विभांशु इतना क्लियर है, केशव इतना क्लियर है, नेक्स्ट जो इसके अंदर आपके पास यहां पे आता है सी प्लस प्लस वेरिएबल्स। ओके, अब आपके पास आते हैं इसके अंदर सी प्लस प्लस वेरिएबल्स, एंड उन वेरिएबल्स को यूज करने के क्या क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहले तो देखिए हम वेरिएबल किसे कहते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज ए वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ये एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है, और इसको हम किस लिए यूज करते हैं, इट इज यूज टू स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर करने के लिए। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड, इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। इट कैन बी रीयूज्ड मैनी टाइम्स, और एक ही वेरिएबल को आप जो है काफी बार यूज कर सकते हो। ठीक है, इट इज ए वे टू रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल का पर्पस क्या होता है, एक वे है आपकी, आप मेमोरी लोकेशन को, आप मेमोरी की जो लोकेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसके थ्रू, एक सिंबल के थ्रू, सो दैट इट कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड। वेरिएबल लेके आप वैल्यू को इजिली क्या कर सकते हो, उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। अब वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के या डिफाइन करने के आप कह लो कि क्या क्या रूल्स होते हैं। पहला, ए वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट्स, कि जो वेरिएबल है उसमें अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, और अंडरस्कोर भी हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल के अंदर आप अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सेकंड थिंग इज कि जो वेरिएबल नेम है कैन स्टार्ट विद अल्फाबेट, वो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे
और वेरिएबल का नाम आपने ले लिया, जैसे आपने क्या ले लिया, ए एस, वेरिएबल को आप ऐसे लिख सकते हैं, इट कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, ये डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है, ये गलत हो जाएगा कि वेरिएबल नेम अगर आप कहो कि मैं ऐसे वेरिएबल ले लू यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे मैं लिख दू ए और एस, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो वेरिएबल नेम के बीच में आप अल्फाबेट्स अंडरस्कोर डिजिट्स यूज कर सकते हो, बट वी कैन नॉट यूज वेरिएबल नेम विद डिजिट्स, नो वाइट स्पेस इज अलाउड बिटवीन वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम के बीच में वाइट स्पेस अलाउड नहीं है, कि अगर आप ये कहो कि आप वेरिएबल नेम के बीच में आप स्पेस छोड़ लोगे तो वो जो है इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। वेरिएबल नेम के बीच में आप कभी भी स्पेस नहीं आप इसमें छोड़ सकते। फिर आपके पास आता है ए वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड, वेरिएबल नेम कोई भी रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब इंट को हम एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, कैर को आप एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो बता रखा है कैर फ्लोट, ये सब वेरिएबल नेम नहीं हो सकते आप। अब नेक्स्ट हम चलेंगे इसमें कीवर्ड्स। अब सी प्लस प्लस में कुछ कीवर्ड्स होते हैं आपके पास, एक्चुअली सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं, सी के अंदर 32 कीवर्ड्स होते हैं सी के अंदर, और सी प्लस प्लस के जो अपने कीवर्ड होते हैं वो होते हैं आपके पास, वो होते हैं आपके पास 16। तो टोटल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो सी प्लस प्लस के अंदर होते हैं वो 48 कीवर्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम कीवर्ड का मीनिंग देख लेते हैं कि कीवर्ड कहते किसे हैं। ए कीवर्ड इज ए रिजर्व वर्ड, ठीक है, यू कैन नॉट यूज इट एज ए वेरिएबल नेम। अभी हमने पढ़ा कॉन्स्टेंट नेम, कि ये कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है, इसको आप एज ए वेरिएबल नेम कॉन्स्टेंट नेम आप यूज नहीं कर सकते। 32 कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज विच आर आल्सो अवेलेबल इन सी लैंग्वेज, जो सी लैंग्वेज में भी अवेलेबल होते हैं, कौन कौन से देखिए ये मालूम होने चाहिए। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वो पूछ सकते हैं आपसे कि ऑटो इज ए कीवर्ड और नॉट, ऑटो ब्रेक केस कैर ये सारे सी के अंदर भी यूज होते हैं, कॉन्स्ट कंटिन्यू ये सारे स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस लेटर्स ओनली, डू डबल एल्स इनम एक्सटर्न फ्लोट फोर गो टू इफ इंट लॉन्ग रजिस्टर रिटर्न शॉर्ट साइंड साइज ऑफ स्टैटिक स्ट्रक्ट स्विच टाइप डेफ यूनियन अनसाइंड वॉइड वोलाटाइल वाइल। ये यहां तक जितने भी कीवर्ड्स हैं यहां तक ये सारे सी लैंग्वेज के कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इसके बाद जो ASM हो गया, डायनामिक अंडरस्कोर कास्ट नेम स्पेस दिस वन एक्सप्लिसिट न्यू स्टैटिक फॉल्स कैच, ये जो सारे के सारे कीवर्ड्स होते हैं ये सारे के सारे सी प्लस प्लस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे हम आगे जो मोस्टली हम पढ़ेंगे वो पब्लिक के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रोटेक्टेड के बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर, प्राइवेट के बारे में हम पढ़ेंगे, क्लास के बारे में हम पढ़ेंगे, फ्रेंड के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे वर्चुअल हम पढ़ेंगे ज्यादातर यूजली हम पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। दिस के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो हम ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सी प्लस प्लस के अंदर कीवर्ड्स होते हैं आपके पास। फिर आपके पास ऐसे ही आता है इसके अंदर ऑपरेटर्स, सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर हम किसे कहते हैं स्टूडेंट, व्हाट इज ए ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या होता है, इज सिंपली ए सिंबल दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस। अगर हमें कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, जैसे हमें मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, तो ए और बी तो स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, ऑपरेंड हो जाएंगे आपके, ये ऑपरेंड होते हैं, और प्लस का जो साइन होता है दैट इज द ऑपरेटर। तो यही ऑपरेटर क्या काम करता है, यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस। देयर कैन बी मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस लाइक जैसे अर्थमेटिक लॉजिकल बिटवाइज, ऐसे काफी सारे आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं। दे आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस इन लैंग्वेज। अगर हमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूज करने हैं, तो गगन मैंने आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बताया था, ये कौन कौन से होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज का साइन।
रिलेशन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? अब ये गगन गगन केशव, जरा मुझे आप ये बताओ इसके अंदर विभांशु रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? इसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं जरा मुझे कमेंट करके बताइए। रिलेशन ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? कोई भी मुझे एक दो रिलेशन ऑपरेटर्स के नाम बता दीजिए। और ये तो मैंने केशव को भी पढ़ाया हुआ है, विभांशु को भी मैंने प्रैक्टिकल प्रोग्राम के अंदर बताया हुआ, गगन को भी मैंने बताया हुआ। नहीं मतलब ये बताना है गगन कि रिलेशन ऑपरेटर का सिंबल कौन सा होता है, कौन कौन से रिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं? जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अच्छा सिंबल नहीं है, ठीक है, मतलब उसका ऐसे नाम बता दो मेरे को, नाम लिख दो उस पे। यस यस यस, ठीक है। तो रिलेशन ऑपरेटर्स हो गए जैसे लेस देन हो गए, लेस देन और इक्वल टू हो गए, ग्रेटर देन हो गए आपके पास, इज इक्वल टू हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे रिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, तीन टाइप के हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड ऑपरेटर, ठीक है, एंड एंड ऑपरेटर हो गया, और के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं, नॉट के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं, ठीक है। एंड ऑपरेटर का साइन आप जो है कीबोर्ड के ऊपर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना होता है, यहाँ पे एंड का साइन बना हुआ होता है। फिर यूनरी ऑपरेटर होते हैं जैसे प्लस प्लस साइन हो गया, ठीक है, माइनस माइनस साइन हो गया, ये यूनरी ऑपरेटर्स हो गए आपके पास। फिर आता है टर्नरी ऑपरेटर होता है, टर्नरी ऑपरेटर कौन सा होता है? क्वेश्चन मार्क का साइन और ये कॉलन साइन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं ये, ज्यादातर यही ऑपरेटर्स हम इसके अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं। फिर आपके पास कंसेप्ट आता है इसमें आइडेंटिफायर्स का कंसेप्ट इसके अंदर आपके पास आता है। तो अब इसमें जो है आइडेंटिफायर्स आपके पास क्या होते हैं कि आइडेंटिफायर्स इन ए प्रोग्राम, हाँ जी नोट का हो गया गगन, बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन मार्क का कॉलन साइन जो वो हो गया आपके पास टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क कॉलन साइन टर्नरी ऑपरेटर हो जाएगा। आइडेंटिफायर्स इन ए प्रोग्राम आर यूज टू रेफर टू द नेम ऑफ द वेरिएबल, जो भी हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं उसको हम आइडेंटिफायर से, हम चाहे वो वेरिएबल हो डिनोट करते हैं आइडेंटिफायर से, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो आपके पास फंक्शंस हो यहाँ पे, एरेज हो, अदर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स हो, ठीक है। देयर आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेज के अपने हर एक आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने के अपने अपने रूल्स होते हैं। सी प्लस पर जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो असेंशियल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कॉन्स्टेंट्स हो गया, वेरिएबल्स हो गया जो अभी हमने पढ़े, फंक्शंस के आप नाम देते हो ये आइडेंटिफायर्स होते हैं, जब हम गो टू स्टेटमेंट यूज करते हैं तो वहां पे हम लेबल यूज करते हैं, डाटा टाइप्स को आप डिफाइन करते हो तो जब हम अपने नाम देते हैं, तो इन सब में किसका यूज होता है? आइडेंटिफायर्स का यूज होता है इसमें। फिर आपके पास आता है इसके अंदर सम नेमिंग रूल्स आर कॉमन इन बोथ सी एंड सी प्लस प्लस, देयर इज फॉलोज। अब इसमें भी वही रूल्स हैं कि जो अल्फाबेटिक करेक्टर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, अंडरस्कोर को हम यूज कर सकते हैं, आइडेंटिफायर कभी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, पहला लेटर अल्फाबेटिक होना चाहिए, आफ्टर फर्स्ट लेटर जो है आप डिजिट्स और अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो इसमें। सी प्लस प्लस में अपर एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, वो अलग अलग होते हैं, मतलब इट मीन्स कि केस सेंसिटिव है। आइडेंटिफायर्स भी क्या होते हैं आपके, केस सेंसिटिव होते हैं। डिक्लेयर्ड जो कीवर्ड होते हैं उनको हम ऐसे वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, ये अभी हमने पढ़ के आए हैं हम। और इसमें क्या आता है आपके पास कि जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग होती है उसमें हम कंडीशन को टेस्ट करते हैं, और कंडीशन को टेस्ट करने के लिए हम ये वाली स्टेटमेंट्स को हम यूज करते हैं, जैसे इफ स्टेटमेंट हो गई आपके पास, इफ एल्स स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। और ये मैंने आपको प्रैक्टिकल में केशव को, विभांश जो क्या कहते हैं गगन को, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है। और विभांशु इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स आप जो है यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हो, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का, इफ एल्स इफ लैडर का आपको प्रोग्राम वहां पे जो है मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो कंडीशन को टेस्ट करने के लिए हम ये चार्ट मेथड जो है हम यूज करते हैं, सिंपल इफ, इफ एल्स, नेस्टेड इफ और इफ एल्स लैडर। फिर नेक्स्ट आपके पास आते हैं एक कंडीशन आपके पास और भी होती है इसके अंदर, वो कंडीशन होती है आपके पास स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट
क्या काम करता है, एग्जीक्यूट करता है एक स्टेटमेंट को, मल्टीपल कंडीशन में से हमें कोई भी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है तो उसके लिए हम जो है स्विच कंडीशन को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, ये भी इट इज लाइक इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट की तरह ही होता है। ये हमारा स्विच स्टेटमेंट का जो है पूरा का पूरा सिंटेक्स है। स्विच कंडीशन यूज करेंगे, इसमें हम कोई भी एक्सप्रेशन दिया, यहां से हमारी जो है कंडीशन स्टार्ट हुई, केस वैल्यू वन कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ब्रेक कर देंगे, फिर केस वैल्यू टू कोड टू एग्जीक्यूट हो जाएगा, ब्रेक कर देंगे, और लास्ट में जैसे इफ में हम एल्स यूज करते हैं स्विच के अंदर, हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, डिफॉल्ट। ब्रेक के बाद तो हम कॉलन साइन यूज करते हैं, लेकिन डिफॉल्ट के बाद हम केवल ब्रेक के बाद तो हम सेमी कॉलन यूज करते हैं, लेकिन डिफॉल्ट के बाद हम ये कॉलन साइन यूज करते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारी स्विच कंडीशन हो जाएगी आपके पास। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसमें लूप्स आती हैं। तो लूप्स का मतलब मैंने आपको जो प्रैक्टिकल में मैंने आपको बताया था कि लूप्स का मीनिंग आपके पास क्या होता है, कि रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट, किसी चीज को आप बार बार रिपीट करना चाहते हो तो उसके लिए हम लूप्स यूज करते हैं। तो इसमें जैसे सबसे पहले हमारे पास फोर लूप आ जाती है, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रखा है कि C++ फोर लूप इज यूज टू इटिरेट ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स, कि एक प्रोग्राम के पार्ट को आपको मैनी टाइम्स चलाना है तो हम फोर लूप यूज करते हैं। इफ द नंबर ऑफ इटरेशन इज फिक्स्ड, कि 5 बार चलाना है 6 बार चलाना है तो उसके लिए फोर लूप यूज करते हैं। ठीक है, फिर एक लूप होती है, वाई लूप होती है, डूआई लूप भी होती है आपके पास। सी प्लस प्लस लूप का कंसेप्ट वही होता है जैसे सी या सी हैश में होता है। सी हैश भी एक लैंग्वेज का टाइप होता है स्टूडेंट, जिसमें हम इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल को। क्या क्या काम करते हैं फोर लूप में, पहले हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं यहाँ पे, फिर हम कंडीशन को चेक करते हैं यहाँ पे, देन हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू हम यूज करते हैं। ये हमारा इसका सिंटेक्स है फोर लूप का, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन टेस्टिंग, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो भी कोड आप इसके अंदर चलाओगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट इसमें आ जाता है यहाँ पे वाई लूप आपके पास आ जाती है इसमें। अब वाई लूप आपके पास किस तरीके से काम करती है, जो वाई लूप है वो भी हम किस लिए यूज करते हैं, प्रोग्राम के एक पार्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए मैनी टाइम्स। अगर हमें इसका नंबर फिक्स नहीं है, मतलब अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम चलाना है, तो हम वाई लूप को प्रेफर करते हैं। ये इसका सिंटैक्स है, और ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली बता चुका हूँ। तो यहाँ तो अगर मान लो थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज लूप एंड विच आर द टाइप्स ऑफ लूप, तो आप पहले तो व्हाइल और डूआइल की आप डेफिनेशन बताइए, और साथ साथ आप इनके जो है सिंटैक्स भी बता दीजिए। अगर कोई आपसे मान लो कह देता है कि इसका जो है प्रोग्राम बना दो, तो व्हाइल लूप का प्रोग्राम कर सकते हो, जैसे मैंने आपको इजिली बताया है। फिर आपके पास इसी तरीके से आती है यहाँ पे डूआइल लूप आपके पास आती है। तो डूआई लूप के बीच में डिफरेंस भी मैंने आपको बता रखा है। डूआई लूप इज यूज टू इटिरेट ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स इफ द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट फिक्स। अगर ये फिक्स नहीं है नंबर ऑफ इटरेशन, तो हमें जो है और लूप को कम से कम 1 बार चलाना है आपने, तो उसके लिए मैंने क्या कहा था कि कौन सी लूप यूज करते हैं हम, डूआई लूप। तो डूआई लूप की खास बात क्या होती है कि एट लीस्ट वन, एक बार तो कम से कम चलेगी, बिकॉज कंडीशन इज चेक आफ्टर लूप बॉडी, क्योंकि इसमें हम कंडीशन को हम चेक करते हैं आफ्टर लूप बॉडी के बाद। तो ये इसका जो है आपके पास सिंटेक्स है। फिर आपके पास स्टूडेंट ऐसी आती है इसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट। सी प्लस प्लस ब्रेक स्टेटमेंट को हम किस लिए यूज करते हैं, अगर हम लूप को बीच में ब्रेक करना चाहते हैं, स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक करना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी स्विच कंडीशन के बारे में भी आपको बताया था। इट ब्रेक्स द करंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के करंट फ्लो को क्या करता है, ब्रेक करता है किसी भी गिवन कंडीशन के ऊपर। इनर लूप की बात करें, अगर हम इनर लूप की बात करें यहाँ पे, तो ये पहले क्या करेगा, इनर लूप को ब्रेक करेगा। तो ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है, मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें इतना ज्यादा टाइम लगाने वाला जो इसमें है नहीं। फिर आपके पास कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट आती है आपके पास, थ्योरी आप तैयार कर सकते हो। द सी प्लस प्लस कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू कंटिन्यू लूप, ये लूप को कंटिन्यू करने के लिए हम यूज करते हैं। इट कंटिन्यूज द करंट फ्लो, प्रोग्राम के करंट फ्लो को कंटिन्यू करता है, एंड रिमेनिंग कोड को, स्पेसिफिक कंडीशन रिमेनिंग कोड को स्किप कर देता है। ठीक है कि नहीं। इन केस ऑफ इनर लूप, अगर हम इनर लूप की बात करें, तो केवल इनर लूप को ही जो क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। ये इसका सिंटैक्स है। एक ऐसी होती है गो टू स्टेटमेंट होती है, सी प्लस प्लस गो टू स्टेटमेंट, ये भी मैंने गगन आपको प्रैक्टिकली में बताया था। इसको हम जंप स्टेटमेंट भी कहते हैं। इट इज यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल टू द अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। मान लो कि ऊपर हमने यहाँ पे लिख दिया कि
नीचे से एकदम से ऊपर जाना है तो हम गो टू स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम डीपली नेस्टेड लूप और स्विच केस लेबल। और अब यहाँ पे आपके पास आता है कमेंट, भी हमने पढ़ लिया। अब कमेंट का मतलब स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे क्या होता है, कमेंट हम कमेंट जो है दो तरीकों से दे सकते हैं, एक तो सिंगल लाइन कमेंट होता है और एक मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट को आप इस तरीके से दे सकते हो और मल्टी लाइन कमेंट को आप इस तरीके से दे सकते हो कि इसके बीच में आप कुछ भी लिखोगे वो मल्टी लाइन कमेंट होगा, सिंगल लाइन एक कमेंट का होता है आपके पास, ठीक है। तो कमेंट्स क्या होता है, कंपाइलर इनको एग्जीक्यूट नहीं करता। कमेंट्स किस लिए दिए जाते हैं, ताकि आप प्रोग्राम की कोडिंग की वेरिएबल की मेथड की एक्सप्लेनेशन को आप दे सको। बाय द हेल्प ऑफ कमेंट यू कैन हाइड द प्रोग्राम कोड आल्सो। कमेंट की हेल्प से हम प्रोग्रामिंग के कोड को क्या कर सकते हैं, हाइड भी हम कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर हमने एक प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं चलाना तो कमेंट लगा के उस कोड को हम हाइड भी जो है उसमें हम कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। फिर इसमें आपके पास आता है यहां से फंक्शंस का कंसेप्ट आपके पास इसमें आता है। तो हम फंक्शन जो है किसे कहेंगे, यहाँ पे फंक्शंस भी हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। फंक्शंस को हम C++ लैंग्वेज के अंदर प्रोसीजर भी बोलते हैं और सब रूटीन भी हम बोलते हैं दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर। किसी भी टास्क को अगर हमें परफॉर्म करना हो तो उसके लिए हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। एक फंक्शन बनाने के बाद स्टूडेंट हम उसको कई बार मैनी टाइम कॉल कर सकते हैं। ये हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मॉड्यूलरिटी की फैसिलिटी हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है इसके अंदर। और हमें कोड यूजेबिलिटी, कि आप एक ही कोड को बार बार यूज कर सकते हो। फंक्शन टू टाइप्स के होते हैं, एक तो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं आपके पास जो इनबिल्ट होते हैं पहले से, दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन जिनको यूजर डिफाइन करता है। जैसे आपने एक फंक्शन बनाया सम नाम से, तो मैंने आपको बताया था फंक्शन का जब मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर करवाया था, ठीक है। फिर आपके पास ऐसे हमने पढ़े थे, याद होगा आपको हमने एरे भी पढ़े थे। एरे क्या होता है कि लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एरे इन C++ इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। अगर हमें एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट्स को अगर हमें एंटर करना है तो उसके लिए हम एरे जो है वो यूज करते हैं इसमें, ठीक है। तो एरे से क्या हो जाता है, एडवांटेज क्या है एरे के आपके पास, कोड ऑप्टिमाइजेशन, कि आप कोडिंग कम करनी पड़ती है, डाटा को इजिली हम ट्रेवर्स कर सकते हैं, डाटा को इजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं, एरे की हेल्प से हम डाटा की सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो टू टाइप्स के एरे होते हैं, एक तो आपके पास होता है एरे होता है सिंगल डायमेंशनल एरे, दूसरा होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। इतना समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को गगन, यहां तक कोई इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो स्टूडेंट? यहां तक जो है हमारा सी का जो है ये बेसिक सारा फंडा था एरेस, ठीक है। ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर भी होते हैं स्टूडेंट, स्ट्रक्चर भी क्या बताया था मैंने कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, कि जिसमें हम अलग अलग डेटा टाइप्स को हम, नो सर क्लियर है, जिसके हम काफी सारे डेटा टाइप्स हम यूज कर सकते हैं। कैरेक्टर में ले लिया नेम को, सैलरी हमने जो है फ्लोट में ले ली, एज हमने इंटीजर में ले ली, यूनियन के बारे में मैंने बताया था इज लाइक ए स्ट्रक्चर। तो आज की इस क्लास के अंदर हम इतना ही हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। कल से जो है हमारा ऊप्स का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो केशव, विभांशु और गगन, कल से हम ऊप्स का कंसेप्ट हम C++ में पढ़ेंगे, यहाँ से आपको समझना होगा। और जो है केशव, लिंक हमारा रोज यही वाला होगा, लिंक को आप जो है मैसेज डिलीट मत करना, ठीक है। टाइम जैसे मैं आपको सेंड करता हूँ तो लिंक हमारा कि यही रहेगा, ठीक है। लिंक हमारा जो है वो चेंज नहीं होता, इसी लिंक के ऊपर ही मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है कि नहीं। लिंक हमारा रेगुलर जो है वो चेंज नहीं होता, हमारा यही सेम रहता है, ठीक है। क्लास तो मैं बिल्कुल 2 बजे स्टार्ट कर देता हूँ, कई बार जूम को कनेक्शन करने में नेटवर्किंग की तरफ से जो है वो हमारी एरर आ जाती है, तो इसलिए क्लास लेट हो जाती है। मैं तो बिल्कुल क्लास को तैयार 2 बजे बिल्कुल शार्प स्टार्ट कर देता हूँ। कल से हम जो है इसमें ऊप्स का कंसेप्ट हम स्टार्ट कर देंगे। कल से बहुत ध्यान से जो है विभांशु, आपने भी बहुत ध्यान से देखना है, ऊप का कंसेप्ट हमारा कल से स्टार्ट हो जाएगा।
और इतना ये वाला भी लेक्चर YouTube पे थोड़ी देर तक अवेलेबल हो जाएगा आपको 10-15-20 मिनट तक, आप इसको दोबारा से एक बार देख लेना। यहाँ तक मैंने आपको C++ की बेसिक थ्योरी पढ़ा दी है, कल से C++ का मेन पार्ट हम यहाँ से करेंगे इसमें डिस्कस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।